टॉपिक है अब सीटू साइकिल। जिसने नहीं सुना है वो सुन लो अच्छे से, सीटू साइकिल के बारे में कि क्या होती है, क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, सारी बातें जो हैं थोड़ा सा आप इस पे ध्यान रखें। इसी को हम फोटो रेस्प्रेसर भी बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसको हम पीसीओ साइकिल भी बोलते हैं। पीसीओ मतलब फोटोसिंथेटिक कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन बोलते हो या कुछ, ठीक है ना? तो आप कह सकते हो फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, लिख देता हूं मैं। कई बार क्वेश्चन आता है इसमें से, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, इसको ये भी बोलते हैं हम, ठीक है। अब मैंने आपको C3 प्लांट्स के बारे में पिछला पढ़ाया था, तुम्हारा जो बीच का रह गया है वो मैं करवा दूंगा अभी। C3 साइकिल मैंने पढ़ाई थी आपको, तो C3 साइकिल मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उन सब के अंदर C3 साइकिल होती है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द C3 प्लांट्स, तो C3 प्लांट्स को आप किस में रखोगे, कौन कौन से एग्जांपल कहोगे? वीट हो गया, राइस हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जो मूंग बीन वगैरह, काउपी वगैरह, सारी दाल वगैरह है, ये आपके किस में एग्जाम्पल आ जाएंगे? C3 में, ठीक है। तो जो C3 साइकिल है वो C3 प्लांट्स के अंदर होती है, लेकिन जो C2 साइकिल है, C2 साइकिल है उसका एक सिंपल सा फंगा ये है कि वो हर एक टाइप के प्लांट्स में नहीं पाई जाती, वो सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट्स के अंदर ही पाई जाएगी। C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स जो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, उनके अंदर C2 साइकिल नहीं पाई जाती है, ये बात ध्यान रखें आप। कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मैंने तीन प्लांट बता दिए हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट्स। C3 प्लांट्स के अंदर ये C2 साइकिल पाई जाती है, जो आगे दोनों आएंगे उनके अंदर इनकी ये साइकिल नहीं पाई जाती है, ठीक है। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, पहले इसकी समझिए कहानी क्या है, उसके बाद आगे करेंगे डिस्कस। देखिए जो फोटो रेस्पिरेशन हम बात कर रहे हैं, C2 साइकिल की बात कर रहे हैं, C2 तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो दो कार्बन का होगा, तो मेनली जो पूछा जाएगा वो फोटो रेस्पिरेशन बात पे आएगी। तो फोटो रेस्पिरेशन का मतलब बेटा क्या है? लॉस ऑफ CO2, मतलब क्या है? लॉस ऑफ CO2, ठीक है। और यहीं पे बात कर रहे हैं अगर हम फोटोसिंथेसिस की, यहीं पर हम बात कर देते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो क्या है? वो फिक्स है, किसका? फिक्शन ऑफ CO2। इट मीन्स आप देख के ये तो अंदाजा लगा रहे हो दोनों को देख के कि दोनों अपोजिट हैं, एक CO2 को लॉस कर रहा है और दूसरा CO2 को फिक्स कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए फिक्स करने के लिए, वो इस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हो रही है? लॉस हो रही है। इट मीन्स जब भी फोटो रेस्पिरेशन होगा तब कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट पड़ेगा, बात क्लियर है? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस में CO2 फिक्स होनी है, उस CO2 का लॉस तो क्या कर रहा है? फोटो रेस्पिरेशन कर रहा है। तो जितना ज्यादा CO2 का लॉस होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस क्या होगा आपका? कम होगा। ये तो बात क्लियर समझ में आ रही हो? अभी आएगी समझ में आपको। तो इस फोटो रेस्पिरेशन के लिए रुबिस्को एंजाइम की आप बात करोगे, किस एंजाइम की? रुबिस्को एंजाइम। और रुबिस्को एंजाइम पिछले लेक्चर में मैंने बड़े अच्छे से आपको क्लियर कर दिया था कि रुबिस्को एंजाइम का जो नेचर होता है वो डुअल होता है, डुअल नेचर होता है। और डुअल नेचर का मतलब क्या है कि जब भी CO2 अगर ज्यादा है तो CO2 के साथ बाइंड होगा ही होगा, उस केस में C3 साइकिल चल जाएगी। अगर CO2 है इस रुबिस्को के पास तो CO2 इस रुबिस्को से बाइंड होगी इसके एक्टिव साइट पे, और रुबिस्को क्या करेगा? C3 साइकिल को आगे बढ़ा देगा। अब क्या हुआ कि किसी रीजन की वजह से इस CO2 का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है,
ऑक्सीजन का, देन रुबिस्को एंजाइम किससे बाइंड होगा, ऑक्सीजन से, और देन फिर आपका ये साइकिल चलेगी, कौन सी, फोटोरेस्पिरेशन या सी2 साइकिल। बेसिक क्लियर करें पहले, जो जो आगे है वो तो एक रखने वाली चीज है, कोई इससे ये बनेगा इससे ये बनेगा, लेकिन ये चीज पहले क्लियर करें। दोबारा रिपीट करते एक बार बात को कि देखिए प्लांट्स के अंदर रुबिस्को एंजाइम होता है जो पाया जाता है स्ट्रोमा के अंदर, और स्ट्रोमा के अंदर CO2 आएगी बाहर से बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रोमेटा, और रुबिस्को ने CO2 को पकड़ा और उसको ऐड करवा दे किसके साथ, RUBP के साथ, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट के साथ, और C3 साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अगर प्लांट्स में CO2 का लेवल डाउन जाता है, देन आप सिंपल ये कहोगे ऑक्सीजन का लेवल अप हो गया, उस केस में रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन से बाइंड होगा ना कि CO2, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, और इस रुबिस्को की खुद का नेचर है कि अगर CO2 मिली तो CO2 से बाइंड हो गया, ऑक्सीजन मिली तो ऑक्सीजन से बाइंड हो। अब बात यह आती है कि दोनों का लेवल बराबर है, देन अगर बराबर लेवल है, रेशियो बराबर है, देन CO2 ये और रुबिस्को किससे बाइंड होगा बेटा, CO2 से बाइंड होगा। इस बात को याद रखें, इस रुबिस्को की जो एफिशिएंसी है वो CO2 के लिए ज्यादा है, ऑक्सीजन के लिए कम है, लेकिन जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है तब इसकी मजबूरी है इस ऑक्सीजन से बाइंड होने की। इस को अगर उल्टा बोलो तो आप ये भी कह सकते हो कि दैट इज रुबिस्को, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट कौन सी है, लाइसिन, जो मैंने कल बताया था आपको 201 पोजीशन, और यहां पर क्या था, ENS2 था अगर आपको याद हो। तो यहां पर अगर ऑक्सीजन है और CO2 है, दोनों है, अगर CO2 का लेवल ज्यादा है देन बैंड करेगी, ये सीधी बात है, अगर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है तो ऑक्सीजन बैंड करेगी, ये भी सीधी बात है, अगर दोनों का रेशियो बराबर है देन बेटा ये CO2 जो है इसके साथ बैंड होगी, ये बात ध्यान रखें। उल्टे शब्द में आप ये भी कह सकते हो ऑक्सीजन एंड CO2 बोथ हैव द कॉम्पिटिशन टू बाइंड द एक्टिव साइट ऑफ द रुबिस्को एंजाइम, इसको बिल्कुल ज्यादा फेवर CO2 को करेगा, ठीक है, बट जब मजबूरी है कि ऑक्सीजन का लेवल बाई चांस क्या हो जाए, वो ज्यादा हो जाए, तो उस केस में इसकी एक्टिविटी ऑक्सीजन से बाइंड होने की भी है, तो ये ऑक्सीजन से भी बाइंड होगा, ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आई प्रिया? अब बेटा हो गया ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो प्लांट्स हैं, ये देखना कोई आया क्या, कौन है? अब क्वेश्चन सबसे पहले ये उठता है कि कौन कौन सी बातें हमारी फेवर करती हैं इस रेस्पिरेशन को, तो पांच बातें मैंने बतानी है इसमें, पांचें जो कंडीशन जो है वो फेवर करती हैं किसको, इस फोटो रेस्पिरेशन को। पहली बात देखिए, पहली बात क्या है कि किसी तरीके से हाई कंसंट्रेशन हो जाए किसकी बेटा, ऑक्सीजन की, अगर हाई कंसंट्रेशन हो गई किसकी, ऑक्सीजन की, तो क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन आप ये कह सकते हो लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2, आप ये भी कह सकते हो लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2, आप ये भी कह सकते हो, ये बात ध्यान रखें आप। तीसरा आप ये कह सकते हो कि जैसे ही हाई टेम्परेचर हुआ, कौन सा टेम्परेचर हुआ, हाई टेम्परेचर, जब भी प्लांट्स के अंदर हाई टेम्परेचर होगा, अपने आप को बचाने के लिए प्लांट्स क्या कर लेंगे, स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे, और जब स्टोमेटा क्लोज हुआ तो जाहिर सी बात है बाहर से CO2 अंदर नहीं आएगा स्ट्रोमा में, तो CO2 का लेवल डाउन और ऑक्सीजन का लेवल अप, देन कौन सा होगा, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। तीन कंडीशन आप ये समझ होंगे। फोर्थ कंडीशन आप ये भी कह सकते हो हाई टेम्परेचर है, हाई रेडिएशंस भी कह सकते हो आप, ये भी एक पॉइंट है अपने आप में, हाई रेडिएशंस है तो भी फोटो रेस्पिरेशन क्या होगा, आपका फेवर होगा। और फिफ्थ पॉइंट आप ये कह सकते हो कितना वाटर जो है वो अवेलेबल है, कैसे कनेक्ट करोगे इस चीज को बताइए, कितना वाटर अवेलेबल है ये भी फोटो रेस्पिरेशन को क्या करता है, फेवर करता है, कैसे कनेक्ट करोगे काजल आप बताइए, बताइए बोलो, जो जिस बच्चों ने पिछला लेक्चर लगाया है बताइए कैसे करेगा, यस फोटोलाइसिस से। देखिए जो H2 है, H2 का जब फोटोलाइसिस होता है तो वो हाइड्रोजन आइस में,
इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन में टूटता है। अब मैं कह देता हूं यहां पर सिर्फ 2 लीटर पानी है, तो उससे जो फोटोलाइसिस होगा उससे जो ऑक्सीजन निकलेगी मान लीजिए 4 निकली, और मैं कह देता हूं पानी बहुत ज्यादा है 10 लीटर है तो ऑक्सीजन जो निकलेगी बेटा वो 20 निकलेगी, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। तो अगर वाटर ज्यादा है तो आप ये कह सकते हो कि जो ऑक्सीजन का लेवल होगा वो ज्यादा होगा, और वाटर कम है तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ज्यादा है तो फोटोरेस्पिरेशन होगा, कम है तो फोटोरेस्पिरेशन नहीं होगा। वाटर अवेलेबल पर भी इसका एक मेथड है, आप कह सकते हो कि फोटोरेस्पिरेशन डिपेंड करता है। तो ये 4-5 फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, बाई चांस पेपर में पूछा जाए कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो फोटोरेस्पिरेशन को फेवर करते हैं, तो आपको ये 5 रखने हैं, ठीक है। कई बार कंफ्यूज नहीं होना है हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में क्यों कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही स्टोमेटा क्लोज हुआ बाहर से CO2 स्ट्रोमा में नहीं आएगी, बाहर से CO2 स्ट्रोमा में नहीं आएगी तो ऑक्सीजन का लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा। या इस बात को मैं यहां उल्टा घुमा के ये कह दूं कि किसी भी टाइप की जब प्लांट्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ती है, क्या स्ट्रेस, चाहे ड्रॉट स्ट्रेस हो, चाहे हीट स्ट्रेस हो, चाहे कोल्ड स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, तो प्लांट की ये अडेप्टेशन होती है कि प्लांट अपने आप को बचाने के लिए पहले सबसे पहले स्टोमेटा को ही क्लोज करता है। क्या करता है? स्टोमेटा को ही क्लोज करता है। अब हीट स्ट्रेस है या ड्रॉट स्ट्रेस है, स्टोमेटा किसमें हेल्प करता है? ट्रांसपिरेशन में। जब स्टोमेटा खुला रहेगा तो ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, वाटर लॉस होता रहेगा, लेकिन जैसे ही बंद हुए स्टोमेटा CO2 अंदर नहीं आएगी, उस केस में भी आप कह सकते हो जो फोटोरेस्पिरेशन है उसको फेवर करेगा। तो बात क्लियर सी ये हुई है कि किसी भी टाइप की अगर स्ट्रेस आती है तो उस केस में भी फोटोरेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये सारी बेसिक चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन निकल के ये आता है इसमें से कि ये बताइए कि फोटोरेस्पिरेशन होता कहां है, आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि वेयर द फोटोरेस्पिरेशन अकर्स, तो क्या कहोगे आप? मैं कहता हूं काजल बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में, नहीं होता। परोजीजोम्स में, नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट में होता है, बताइए, आप इतना पढ़ा होगा। देखिए, याद नहीं है, याद करो, क्वेश्चन कई बार आता है, इसमें पूछा जाता है। जो C2 साइकिल है या फिर फोटोरेस्पिरेशन है बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट में होती है, ये बेटा परोक्सीजोम्स में भी होती है, और ये बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। तीनों में बातें आएंगी इसकी, तभी ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बोला है CO2 लॉस फोटोरेस्पिरेशन में, उसको देखना वो कहां हो रहा है, रुबिस्को एंजाइम कहां पाया जाता है वो देखना हमने। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं बनके, क्योंकि अपने आप में एक तीन ऑर्गेनली हो गए, तो कौन सा प्रोडक्ट कहां बनता है, कैसे बनता है, क्या नहीं बनता है, वो सारी बातें हमने करनी है। करें स्टार्ट, अब स्टेप बाय स्टेप देखिए, याद करने का ट्राई करिए, इतना याद हो जाए उतना बेटर है। यहीं पर ये इधर वाला मैं कह देता हूं ये क्लोरोप्लास्ट हो गया बेटा, ये क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब बोर्ड छोटा है तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। और बीच वाला क्या हो गया? परोक्सीजोम्स। और इधर वाला क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों ऑर्गेनली हो गए। बात कहानी स्टार्ट होगी क्लोरोप्लास्ट से, कि क्लोरोप्लास्ट में जो हमने कल C3 साइकिल समझाई थी आपको, तो C3 साइकिल में जो फर्स्ट CO2 अडेप्टर था वो क्या था? RuBP, राइबोलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट, ठीक है। तो CO2 यहां पर राइबोलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट से अटैच हो रही थी, लेकिन CO2 यहां पे अटैच हो नहीं सकती क्योंकि कंडीशन हमने पहले ही अप्लाई कर दी है, पांच की पांच कंडीशन हमने पहले ही अप्लाई कर दी है कि किसी भी तरीके से CO2 का लेवल डाउन चला गया है और ऑक्सीजन का लेवल अप हो गया है। तो अब यहां पे क्या होगा? हमारा ऑक्सीजन बैंड होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन बैंड होगा। कंडीशन अप्लाई हो चुकी है, पहले बता रहा हूं आपको मैं। अब जब रुबिस्को एंजाइम यहां पे ऑलरेडी है ही, रुबिस्को एंजाइम काम करेगा कि उसने देखा कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा है तो वो ऑक्सीजन को पकड़ेगा और RuBP से सीधा बैंड करवा देगा।
जैसे ही आरयूबीपी से रुबिस्को बाइंड होता है, यहां पर दो प्रोडक्ट बनते हैं, दो प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट है 3PGA, 3PGA फॉस्फोग्लिसरेट, 3PGA फॉस्फोग्लिसरेट। आप बुक में पढ़ोगे, कहीं आपकी बुक दे रखी होगी, वहां सीधा बोल रखा होगा ग्लाइकोलेट। क्या बोल रखा होगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये बोल रखा होगा। वो पढ़ना है, लेकिन हमें पहले ये चीज पढ़नी है। क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा आपसे अगर ऐसे पढ़ोगे तो। मैं पहले कह देता हूं कि आरयूबीपी के साथ जैसे ही रुबिस्को ने ऑक्सीजन बाइंड करवाया, आरयूबीपी कन्वर्ट इनटू द 3PGA एंड वन मॉलिक्यूल्स ऑफ 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है बेटा, ये आप ये कह दो सीधा, ये 2 कार्बन का है, और ये वाला जो है ये कितना कार्बन का है? 3 कार्बन का है। और आरयूबीपी आपका पता ही है, आपको 5 कार्बन का होता है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए फर्स्ट स्टेप में ही, अमरिंदर, कि एक आरयूबीपी है, उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड हुई है, रुबिस्को ने ऑक्सीजन बाइंड करवाई है, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म, आप सिंपल बोलोगे 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। लेकिन आपको यह भी याद रखना है, एक मॉलिक्यूल बनता है 3PGA का और एक मॉलिक्यूल बनता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का, या फॉस्फोग्लाइकोलेट बोल दोस्तों, दो कार्बन का है। दो कार्बन का पहला मॉलिक्यूल बन रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया था? C2 साइकिल बोल दिया। और ये वाला C3 साइकिल का है, ये C3 साइकिल का है, ये भी बनता है इसमें। लेकिन कहानी हमें स्टार्ट करनी है यहां से, कहानी हमें स्टार्ट करनी है यहां से। एक मिनट, एक रोकिए इसको, रुकिए, एक मिनट, बंद ना कर दियो। तो कहानी जो स्टार्ट हुई है हमारी, वो ही हुई है कि आरयूबीपी 5 कार्बन है, इस पर ऑक्सीजन बाइंड करवाया है रुबिस्को ने, और कन्वर्ट हो गया है 3PGA और 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट में, जो कि 2 कार्बन का है। अब कहानी हमने 3PGA को छोड़ दीजिए यहां पर, अगर क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे कि दो मॉलिक्यूल्स बने, एक मॉलिक्यूल 3PGA का और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का। लेकिन कहानी हमने स्टार्ट करनी है यहां से, फॉस्फोग्लाइकोलेट से, क्योंकि फॉस्फोग्लाइकोलेट से हमने कहानी इसलिए स्टार्ट करनी है कि फॉस्फोग्लाइकोलेट देखा जाए तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, इसका कोई यूज ही नहीं है। मतलब 2 कार्बन इसने खराब कर रहे हैं, 2 कार्बन का है ना, 2 कार्बन खराब हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि इसका ऐसा यूज हो कि मिनिमम कार्बन जो है हमारे खराब हो। तो कहानी फिर यहां से स्टार्ट होती है, फॉस्फोग्लाइकोलेट से। ठीक है, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट आपका कन्वर्ट होगा बेटा किसमें? ग्लाइकोलेट में। इसमें कन्वर्ट होगा ग्लाइकोलेट में, लिखते जाओ अब साथ समझते जाओ, ये किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होगा। और यहां पर ध्यान रखना, एंजाइम होगा फॉस्फो ग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज, टेज मतलब वो एंजाइम जो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करता हो। तो आप सिंपल सा बोलोगे यहां पर फॉस्फेट ग्रुप बेटा क्या हो जाएगा आपका? रिमूव हो जाए। तो ये भी कह सकते हो कि डीफॉस्फोराइलेशन, क्या बोल सकते हो? डीफॉस्फोराइलेशन, क्या बोल दोगे? डीफॉस्फोराइलेशन कहां हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, बात समझे? चलिए, जब ग्लाइकोलेट यहां पर बन जाता है, और ये ध्यान रखें 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का है, ये ग्लाइकोलेट कहां जाएगा आपका? ये जाएगा सीधा फिर परोक्सीजोम में। तो आप कह दोगे सीधा ग्लाइकोलेट जो है वो कहां आ गया है? परोक्सीजोम में, ये यहां से परोक्सीजोम। ठीक है, ग्लाइकोलेट आ गया है परोक्सीजोम में, परोक्सीजोम में। मैं क्वेश्चन तो बाद में बताऊंगा कहां से कैसे पूछे जाएंगे, पहले पूरी साइकिल पूरी कर लेते हैं। परोक्सीजोम में जैसे ही ग्लाइकोलेट पहुंचता है, वहां पर एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। कौन सा एंजाइम होता है? ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज मतलब ऑक्सीजन का यूज करके, ऑक्सीजन का यूज करके किसी मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, ग्लाइकोलेट को तोड़ना, उसको हम क्या कह देंगे? ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम बोलेंगे। भाई ग्लाइकोलेट ग्लाइकोल को तोड़ेगा,
और ऑक्सीडेज मतलब ऑक्सीजन का यूज करके। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीजन कहां से आई, हर लाइन में क्वेश्चन निकालो और अपना पढ़ो। अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो ग्लाइकोलेट को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, वो ठीक बात है, लेकिन वो ऑक्सीजन आई कहां से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, इसका ब्रेकडाउन होता है H2O2 का, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब क्वेश्चन फिर ये आता है प्रिया बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, H2O2 है? H2O2 देखा जाए हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए या किसी भी प्लांट की जो बात हो रही है वहां पर अगर ये ज्यादा डेवलप हो जाता है तो कई बार ये बेटा डेथ तक कॉज कर देता है, हार्मफुल है, आप ये कह सकते हो प्लांट के लिए, हार्मफुल है प्लांट के लिए अगर ज्यादा लेवल पर डेवलप हो जाता है। तो उस केस में इसका टूटना बहुत जरूरी है, तो जो टूटेगा तो टूटेगा किससे, ये H2O2 H2O प्लस ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन का ये एंजाइम यूज करता है, इसी ऑक्सीजन का ये एंजाइम यूज करता है, ठीक है, इस एंजाइम का यूज करके इस ग्लाइकोलेट को ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज कन्वर्ट करवा दे किसमें, ग्लायोजाइलेट में, इसमें ग्लायोजाइलेट एंजाइम उसके अंदर ये चेंज करवा देगा, ग्लायोजाइलेट के अंदर। यहां तक ठीक है प्रिया पूजा अभी मधु बेटा, ठीक है। अब ग्लायोजाइलेट के अंदर जब ये चेंज हुआ, यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप और आता है, यहां पर क्या होगा, ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन मतलब अमोनिया का ट्रांसफर होगा, यहां पर क्या होगा, अमोनिया का ट्रांसफर होगा। तो यहां पर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम सुन लीजिए, ग्लूटामेट ग्लायोजाइलेट अमीनो ट्रांसफरेज, अमीनो ट्रांसफरेज, दोबारा लिख सुनो एक बार, यहां पर एक एंजाइम होगा ग्लायोजाइलेट ग्लूटामेट, नहीं पहले ग्लूटामेट ग्लायोजाइलेट अमीनो ट्रांसफरेज, ग्लूटामेट ग्लायोजाइलेट अमीनो ट्रांसफरेज एक एंजाइम होगा जो क्या करेगा, यहां पर इस ग्लायोजाइलेट को किसमें चेंज कर देगा आपका, सीधा सीधा में इसमें बेटा ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन में चेंज कर देगा, ग्लाइसिन में चेंज कर देगा, किसमें चेंज कर देगा, ग्लाइसिन में। और ग्लाइसिन में ध्यान रखना टू कार्बन का है, टू कार्बन प्रोसेस चल रही है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, बाई चांस याद ना हुआ हो, ग्लाइकोलेट कहां से आया, क्लोरोप्लास्ट से, ग्लाइकोलेट को चेंज किया ग्लायोजाइलेट में किसने, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज ने, ऑक्सीडेज करता है ऑक्सीजन का यूज, ऑक्सीजन आई हाइड्रोजन परऑक्साइड के ब्रेकडाउन से, किसने ब्रेकडाउन किया, कैटालेज एंजाइम ने, ये भी ध्यान रखना आप, कैटालेज एंजाइम ने ब्रेक किया, मतलब कैटालेज एंजाइम कहां पाया जाता है, परोक्सीजोम्स में। अब जैसे ही ऑक्सीजन इसने यूज किया किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लायोजाइलेट में, और ग्लायोजाइलेट किसमें चेंज होगा, ग्लाइसिन में, कौन करवाता है, ग्लूटामेट ग्लायोजाइलेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम। और क्या प्रोसेस कौन सी होती है, ट्रांसएमिनेशन मतलब अमोनिया आता है, अमोनिया, अमोनिया आ रहा है। अब अमोनिया कहां से आ रहा है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, ये कहां से आ रहा है, अभी इसको मैं डिस्कस करूंगा आगे, कहां से आया कैसे आया अभी, क्योंकि ये स्टेप यहां पे ठीक बताना है नहीं तो समझ में नहीं आएगा, तो आगे बताऊंगा कहां से निकला और कहां से कैसे आया। अब जैसे ही ग्लाइसिन बना, ये ग्लाइसिन कहां जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइसिन कहां गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में आप ध्यान रखना ये टू कार्बन का है, कितने कार्बन का है, टू कार्बन का है, ये आप ध्यान रखें टू कार्बन का है। और इसे अगर बैलेंस करने के लिए अगर हम ये कह दें कि यहां पर हमने टू आरयूबीपी यूज किए थे, इधर देखिए एक बार बोर्ड पे सभी बच्चे, अगर हमें एक आरयूबीपी की मैं रिएक्शन बता रहा हूं यहां पर, एटलीस्ट टू आरयूबीपी यहां पर यूज करने पड़ेंगे, तो जो प्रोसेस यहां तक आ जाएगी वो हो जाएगी फोर कार्बन, सिंपल सी बात है ना, डबल होगी। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन पहुंचा, यहां पर एक एंजाइम होता है ग्लाइसिन कार्बोक्सिलेज, कौन सा एंजाइम होगा, ग्लाइसिन कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज, ये ग्लाइसिन कार्बोक्सिलेज क्या करता है, यहां पर CO2 निकालेगा, वन CO2 जो है यहां पर क्या करेगा बेटा, बाहर निकालेगा, वन CO2 क्या निकालेगा यहां पर, बाहर निकालेगा। और दूसरा NAD पॉजिटिव जो है
एनएडीपी पॉजिटिव जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एनएडीपीएच में, एनएडीपीएच है या एनएडीएच है, एनएडीएच है, एनएडीपी पॉजिटिव नहीं है, बस प्लस है, एनएडीएच पॉजिटिव में, ठीक है। और यहां से निकलता है आपका कौन सा, अमोनिया, यहां पे अमोनिया निकलता है वो। अब ग्लाइसिन बनता है ना, हाँ दो बोल दो आप, उसमें उसको दो बोल दो, उसमें कोई इश्यू नहीं। ये मैंने इसलिए कहा है कि जो यहां पे बनेगा ना सीरीन, उस सीरीन जो है वो थ्री कार्बन का होता है, तो अगर मैं दो रखता तो दो से सीरीन बन नहीं सकता, इसलिए दो मॉलिक्यूल एटलीस्ट चाहिए, फोर कार्बन आपको एटलीस्ट चाहिए, तब जाके एक सीरीन बनेगा बैलेंस करने के लिए। तो टू ग्लाइसिन जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे, जो फोर मतलब दो है तो फोर कार्बन हो गए, यहां पर ग्लाइसिन कार्बोक्सिलेज एंजाइम ने क्या किया, CO2 को बाहर निकाला और एनएडी पॉजिटिव जो है वो किसमें चेंज हो गया, एनएडीएच में, और NH4 अमोनिया जो है यहां से सीक्रेट हुआ। बात क्लियर? आप ये भी कह सकते हो यहां पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी होता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी होता है जो इस पूरी प्रोसेस को कैरी करवाने में इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। कार्बन इसको अमोनिया वाली बात को अभी यहीं पर रहने दीजिए, अमोनिया वाली बात बताऊंगा अभी मैं, क्योंकि निकला यहां पे है और यूज हो रहा है कहां पे, यहां पे। कौन सा, हाँ हाँ बाद में, अभी देखिए अभी कहानी है, अभी तो इसमें तो क्वेश्चन बनेगा, जो बनेगा आप सुनिए पहले, आगे तले दीजिए बात को, खत्म हो जाए फिर क्वेश्चन करेंगे। तो सीरीन यहां पे बन गया है, जैसे ही सीरीन यहां पे बना है ये सीरीन वापस जाएगा कहां पे, परोक्सीजोम्स में, सीरीन कहां जाएगा, परोक्सीजोम्स में जाएगा। और ध्यान रखना ये बेटा थ्री कार्बन का, हम पहले बोल चुके हैं जो सीरीन है वो थ्री कार्बन का है, ठीक है। इस सीरीन से बनेगा क्या, हाइड्रोक्सी पाइरवेट, हाइड्रोक्सी पाइरवेट, इससे बनेगा हाइड्रोक्सी पाइरवेट। और यहां पर भी ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस होती है, ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस होती है, क्वेश्चन में अपने आप बता दूंगा इसमें से क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा कैसे आने हैं। ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस होती है, हाइड्रोक्सी पाइरवेट यहां पर ये बन जाता है, हाइड्रोक्सी पाइरवेट से चेंज होगा कौन सा, बनेगा ग्लिसरेट, ग्लिसरेट, ग्लिसरेट से चेंज होगा। और ये याद रखें यहां पर जो एन ए डी एच था वो बेटा दोबारा से कन्वर्ट हो गया है एन ए डी पॉजिटिव, ठीक है, यहां से उल्टा है ये, यहां सीधा हो गया जाके। अब ये ग्लिसरेट जो है यहां पर बाईचांस एंजाइम का नाम आए तो एंजाइम का नाम भी सुन लो, HPR1, HPR1 एंजाइम है यहां पर, इसका नाम हाइड्रोक्सी पाइरवेट रिप्टेज एंजाइम, हाइड्रोक्सी पाइरवेट रिप्टेज वन एंजाइम, ये ध्यान रखें आप। अब जैसे ही ग्लिसरेट यहां बना है, ग्लिसरेट कहां जाएगा, सीधा आपका क्लोरोप्लास्ट में, ग्लिसरेट जो है कहां जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। और इस ग्लिसरेट से क्या होगा आपका, सीधा सीधा यहां पर एक एटीपी कंज्यूम होगी, इसमें एटीपी कंज्यूम हो जाएगी एडीपी प्लस फॉस्फेट में, ठीक है। और इस ग्लिसरेट से सीधा बन जाएगा थ्री फॉस्फो ग्लिसरेट, थ्री फॉस्फो ग्लिसरेट, थ्री पी जी ए, दिख रही ना, कोई बात नहीं, क्या बन गया, थ्री पी जी ए, थ्री पी जी ए। और थ्री पी जी किस में यूज होता है, केल्विन साइकिल में, सी थ्री साइकिल में। तो बेटा ये थ्री पी जी ए जो है यहां पे केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, सी थ्री साइकिल यहां स्टार्ट हो जाएगी, और सी थ्री साइकिल में जब रीजनरेशन होता है प्रिया तो क्या बनता है, आर यू बी पी, क्या बनता है, आर यू बी पी। ये तो हमने समझाया था आपको कि जब सी थ्री साइकिल स्टार्ट होती है, सी थ्री साइकिल में जब रीजनरेशन स्टेप होता है, रीजनरेशन स्टेप होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो बात पे, तो उसमें आर यू बी पी बनता है। और एक सीओ टू के लिए थ्री ए टी पी और टू एनएडीपीएच
रीजनरेशन में यूज होते हैं, 3 ATP और 2 NADPH किस में यूज हो रहे थे आपके, रीजनरेशन में, और 1 ATP यहां पे यूज हो रहा है। अब ये थोड़ा सा एक बार दोबारा रिवाइज करिए फास्ट, फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। क्लोरोप्लास्ट के अंदर RUBP है, मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। जब 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो रुविस्को ने ऑक्सीजन के लेवल को पहचाना, उसके साथ बैंड हुआ, या ऑक्सीजन बैंड हुई रुविस्को के साथ, रुविस्को ने उसके साथ बैंड करवा दिया किसके साथ, RUBP के साथ। कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा, 1 मॉलिक्यूल्स 3PGA का, 1 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लाइकोलेट का। यहां पर 2 लिए तो 2 मॉलिक्यूल्स मान लिया आप, 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे यहां सीधा इसके फॉस्फोग्लाइकोलेट, मतलब 4 कार्बन हो गए। फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लाइकोलेट में, एंजाइम होगा फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज, मतलब डी फॉस्फोरिलेशन होगा, फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले क्लोरोप्लास्ट सुनिए कि जो RUBP है ये ऑक्सीजन से बाइंड होता है जब जब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, रुविस्को काम करता है, तो कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 1 मॉलिक्यूल किसका, बढ़िया, फॉस्फोग्लाइकोलेट से कन्वर्ट हो गए किसमें, किस प्रोसेस से, डी फॉस्फोरिलेशन से। क्वेश्चन आ जाए डी फॉस्फोरिलेशन कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट। ग्लाइकोलेट गया कहां, परोक्सीजोन्स में। ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम ने किसमें कन्वर्ट किया, ग्लायोजाइलेट में। ऑक्सीजन कहां से आई, हाइड्रोजन परऑक्साइड टूटी किसमें, ऑक्सीजन में और वाटर में, किसने तोड़ा, कैटालेज। कैटालेज एंजाइम कहां पाया जाता है, ग्लायोजाइलेट किसमें टूटा, ग्लाइसिन में, किसने तोड़ा, ग्लूटामेट ग्लायोजाइलेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम ने, यहां पे जो एंजाइम है, और ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस होती है, मतलब अमोनिया यहां पे आके बैंड होता है। 2 ये ग्लाइसिन कहां गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन किसमें टूटा, सीरीन में, किसमें टूटा, सीरीन में। एंजाइम कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, ग्लाइसिन कार्बोक्सिलेज और डीहाइड्रोजनेज। इन्होंने क्या किया, CO2 को बाहर निकाला एक को, और NAD पॉजिटिव किसमें चेंज हुआ, NADH पॉजिटिव में, प्लस में NH4 में। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि CO2 कहां रिलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, फोटो रेस्पिरेशन में CO2 कहां रिलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये 3 सीरीन कहां गया, दोबारा से परोक्सीजोन्स में। ट्रांसमिशन प्रोसेस हुई किसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट किसमें चेंज हुआ, ग्लिसरेट में। दोबारा से NADH पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया NADP में, और यहां पर एंजाइम है HPR1। ग्लिसरेट गया अपन दोबारा से क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में ATP हाइड्रोलाइज हुई, ADP प्लस फॉस्फेट में, किसमें कन्वर्ट हो गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3PGA में, और 3PGA यूज हो गया केल्विन साइकिल में, और आपका रीजनरेट हो गया क्या, RUBP। अब बात हमारी अमोनिया की नहीं आई अब तक, तो अमोनिया देखो, यहां से अमोनिया जाएगा सीधा कहां, क्लोरोप्लास्ट में। कहां जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। अमोनिया पहुंचा क्लोरोप्लास्ट में, यहां पर एक इंजन वो होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। क्या नाम है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, है ना, यही होगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट है। ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट चेंज होता है किसमें बेटा, ग्लूटामेट में। ग्लूटामेट में ये ध्यान रखें, क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ग्लूटामेट में चेंज होगा। और एंजाइम होता है सिंथेज या ग्लूटामेट सिंथेज, ग्लूटामेट सिंथेज ये एंजाइम है। अमोनिया आया कहां से, माइटोकॉन्ड्रिया से क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में अमोनिया को क्या मिला, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और यहां पर एक एंजाइम होता है उसका नाम है ग्लूटामेट सिंथेज। ये क्या करेगा, इस अमोनिया का यूज करके, अमोनिया का यूज करके ये वाला एंजाइम इस अल्फा कीटा ग्लूटारेट को किसमें चेंज कर देगा, ग्लूटामेट। अगर बाई चांस अमोनिया वहां से ना आए तो बेटा इसका बनना पॉसिबल नहीं है, इनका बनना पॉसिबल नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। यहां से जब ग्लूटामेट बना तो ग्लूटामेट जाएगा वहां पे, यहां पर, ठीक है, और यहां पर ये अमोनिया ग्रुप जो है वो अपना डोनेट कर देगा, अमोनिया ग्रुप यहां पे डोनेट कर देगा। जैसे ही इस ग्लूटामेट ने अमोनिया डोनेट किया, जो ग्लूटामेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें,
अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट दोबारा से यहां जाएगा, कन्वर्ट होकर ग्लूटामेट में फिर आएगा। हाँ दोबारा बताएंगे बेटा, यही तो क्वेश्चन है। देखिए अमोनिया यहां से गया कहां, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जैसे ही अमोनिया पहुंचा वहां पर कौन है, अल्फा कीटा ग्लूटारेट, कीटो ग्लूटारेट, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूटामेट में। एंजाइम कौन सा है, ग्लूटामेट सिंथेज, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। ये ग्लूटामेट कहां जाएगा, पाइरोजिसोम्स में, और अपना जो अमोनिया ग्रुप है वो डोनेट कर देगा, डोनेट कर दिया। जैसे ही अमोनिया ग्रुप डोनेट किया ऐसे ही कन्वर्ट हो गया किसमें, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, और अल्फा कीटो दोबारा जाएगा यहां पर, वहां से अमोनिया आएगा, दोबारा से ग्लूटामेट बनेगा, दोबारा से आएगा, और ये प्रोसेस जो है आपकी चलती रहती है। हाँ भाई राखी, क्या जो हाँ हाँ तो ग्लूटामेट तो बनते रहते हैं ना, ग्लूटामेट तो पाइरोजिसोम उसमें बेटा बनते रहते हैं, पहले भी है, ठीक है, वो तो ग्लूटामेट तो बनते रहते हैं, पहले भी है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ इसी से प्रोसेस एक हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें से जो पूछा जाएगा, पूछा जाए भाई ग्लाइसिन कहां बनता है, ग्लाइसिन कहां बनता है, पाइरोजिसोम में। यूज कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सीरीन कहां बनता है, कार्बोनेशन कहां निकलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन कहां यूज होती है, पाइरोजिसोम में। तो ऐसे भर भर के कम से कम 20 क्वेश्चन अपने दिमाग से बनाना है इसमें से। अब आगे की कहानी, वो तो है ही, डायरेक्ट यूज हो ही रहा है, C2 से चल रही है। मैंने वही शुरुआत में कहा था, ऑल C3 प्लांट्स जो हैं उनके अंदर C3 साइकिल चलती है। कहने का मतलब मेरा यह है कि C3 साइकिल इंडिपेंडेंटली चलती है, और आप अगर C2 साइकिल की बात करो तो C2 साइकिल को चलने के लिए RUBP चाहिए, और RUBP कहां से आता है, C3 साइकिल से। तो C3 साइकिल इंडिपेंडेंट है और C2 साइकिल डिपेंड करती है किस पर, C3 साइकिल। और क्वेश्चन कोई आ रहा हो किसी माइंड में, प्रिया लिखने दो एक बार, प्रिया कोई बात तब बताइए। अब मैं ये पूछता हूं आपको, चार क्वेश्चन पहले निकालता हूं इसमें से, क्या कहीं पर अमोनिया ग्रुप का या नाइट्रोजन ग्रुप का, अमोनिया छोड़िए नाइट्रोजन ग्रुप लॉस हुआ है, पूरी स्टेप में कहीं नाइट्रोजन ग्रुप का लॉस हुआ है, बताइए बोलिए आप, हाँ या ना। भारती कहीं नाइट्रोजन ग्रुप का लॉस हुआ है इसमें, कहीं भी नाइट्रोजन का ग्रुप लॉस नहीं हुआ है, नो या यहां आया है या दोबारा बन के दोबारा चल रहा है, कहानी रिकवर हो रहा है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी CO2 इन वन C2 साइकिल, अगर क्वेश्चन आप पूछा जाए एक C2 साइकिल कंप्लीट होने पर कितने कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होते हैं, आप कहोगे बेटा एक, ध्यान रखना, अगर ऐसे पूछा जाए कि एक CO2 साइकिल के कंप्लीट होने पर हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लॉस होते हैं, देन यू से वन। तो सिंगल से चल नहीं सकता, अब तुम्हारा क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा होगा कि REBP सिंगल से चल नहीं सकता, क्योंकि एक सिंगल से तो दो ही ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स, मतलब दो कार्बन ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स चाहिए बनेंगे यहां पर, और आपको चाहिए एटलीस्ट 4 कार्बन, तभी तो लॉस होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे यह पूछा जाए कि क्या कहीं पर NAD पॉजिटिव या NADH का लॉस हुआ है, हुआ है क्या, नहीं हुआ। यहां से ये बना और यहां से ये टूटे दोबारा उल्टा बन गया, हिसाब बराबर है। अब आपसे ये पूछा जाए only in C2 cycle या photo respiration how many ATP are used, कितने C2 cycle में, how many ATP, only one, ठीक है, एक C2 बात हो रही है फेस करने के लिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरी प्रोसेस जिसमें C3 भी काउंट हो रही है तो how many ATP are used, four, तीन C3 में और एक इसमें, ठीक है,
हाउ मेनी NADPH आर यूज, देन यू से 2 NADPH, पूरी साइकिल बता रहा हूं। और C2 साइकिल में कहीं भी NADPH यूज नहीं होता है, क्या हो रहा है, कहीं हो ही नहीं रहा, NADH हो रहा है, NADPH तो है ही नहीं। बेटा तीन कार्बन के लिए है गुड़िया, हाँ मैं एक ही बात कर रहा हूं बेटा। तो एक कार्बन को फिक्स करने के लिए सिर्फ और सिर्फ C2 साइकिल पूछी जाए तो 1 ATP है, और ओवरऑल पूछा जाए तो 4 ATP है, एक इसका और 3 C3 साइकिल। NADPH की बात आए तो सिर्फ 2 ही है, NADPH की बात आए तो सिर्फ 2 ही है। अब आप ये पूछोगे सर कि जो रिडक्शन प्रोसेस थी उसमें भी तो ATP यूज हो रहे थे, तो बेटा जो मैंने 3 ATP बचाए हैं काजल, वो सारे हैं रिडक्शन वाले भी और रीजनरेशन वाले भी, C3 साइकिल के टोटल, कंफ्यूज नहीं होना है। तो टोटल 9 ATP थे तीन कार्बन के लिए, तो एक कार्बन के लिए 3 ATP और एक इसका 4 ATP, ठीक है। अच्छा, बड़ी अच्छी से आपकी C2 साइकिल चल रही है प्लांट्स के अंदर, जितनी ज्यादा C2 साइकिल चलेगी उतना ज्यादा कार्बन लॉस हो रहा है, जितना ज्यादा कार्बन लॉस हो रहा है इट मींस उतना कम प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि CO2 लॉस होगी, प्लांट को चाहिए CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे ही CO2 साइकिल हाई चलेगी, फोटोरेस्पिरेशन हाई होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा, इस इफेक्ट को हम वारबर्ग इफेक्ट बोलते हैं। क्या इफेक्ट बोलते हैं? वारबर्ग इफेक्ट, WARBERG, वारबर्ग इफेक्ट, मैंने लिखा होगा कहीं नोट्स में, आप देख लेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वारबर्ग इफेक्ट, क्या लिखता हूं मैं, वारबर्ग इफेक्ट बोलते हैं। इन्वायरमेंट में जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जा रही है, जाने दो आपको, CO2 अगर लॉस होती यहां पे क्लोरोप्लास्ट में तो ये फोटोसिंथेसिस यूज हो जाती, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में तो फोटोसिंथेसिस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में कहां फोटोसिंथेसिस होती है, जा रही है कहीं जा रही है, उससे मतलब नहीं हमें। इन्वायरमेंट में जाएगी सीधी सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया को यूज नहीं है, वेस्ट है, किसमें, हाँ 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 हाँ। तो आप ये भी कह सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ी रहे, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर स्टोमेटा क्लोज है, और माइटोकॉन्ड्रिया, अब क्वेश्चन यहां पे ये भी उठता है जो तुम बोल रहे हो, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर दी हमने, यहां निकल रही है तो वेस्ट, टोटली वेस्ट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के जो यहां पे होते हैं स्टोमेटा, यहां तो है ही नहीं। अब ये तो ना करेगी CO2 यहां से आएगी माइटोकॉन्ड्रिया से, पर यहां से डिफ्यूज होकर यहां जाएगी स्टोमेटा, वो पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना आप। माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 लॉस हो चुकी है, तो CO2 लॉस मतलब हो चुकी है, अब वो एनवायरमेंट में निकलेगी नहीं क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है, या फिर आप कह सकते हैं यहां पर वेस्ट वो रहेगी CO2। टॉक्सिक भी हो सकती है, यस, प्लांट के लिए टॉक्सिक ही है, जब फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है तो ऑलरेडी आप ये सीधे कह रहे हो टॉक्सिक कम, टॉक्सिक ही है, और क्या बोलोगे, और कोई क्वेश्चन आप उसमें से निकालो, काजल, ज्योति, नहीं इसमें यूज नहीं होगी, अगर क्लोरोप्लास्ट में होती, ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको C4 प्लांट और कैम प्लांट, यहां पे आप पढ़ोगे वो भी यूज हो जाती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे यूज होगी, हाँ कम, यस CO2 कंपनसेशन पॉइंट, वो आएगा आगे। हाँ भी पूछो, सिद्धांत हो गया, जा सकती है प्रिया, हाँ भाई प्रमिला आ गया, याद करना है, क्वेश्चंस मैंने बता दिया जैसे पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ग्लाइसिन कहां बना, सीरीन कहां बना, CO2 कहां लॉस हुई है, ATP कहां यूज हो रही है, डीफॉस्फोरेशन कहां हो रहा है ना, और ये ऑक्सीजन का यूज कहां हो रहा है, कैटालेज एंजाइम कहां है, या फिर ये ग्लाइसिन कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहां है, ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो ये